के बनभुलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज शाम लगभग 4 बजे एक हल्द्वानी में बनभुलपुरा इलाके में ज़िला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम जो है वो माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी। तो उस कार्रवाई के विरोध में वहाँ कुछ उपद्रवी अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, आगजनी की गई, और उनके पास शायद ये भी सूचना है कि अवैध असलहों से उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर फायरिंग भी की, और कुछ पुलिस की गाड़ियों को जलाने की सूचना है। थाने के आसपास भी तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना है। तो घटना की जैसे ही सूचना मिली, वहाँ तुरंत जो हमारे DIG कुमाऊँ हैं वो भी मौके पर पहुँचे, और आसपास के जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल भी वहाँ भेजा गया है, और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा MHA से इसमें अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई, और 4 कंपनी हमें एडिशनल सेंट्रल फोर्सेज भी तत्काल MHA द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने आवास पर थोड़ी देर पहले एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्य सचिव महोदय, मैं, हमारे ADG लॉ एंड ऑर्डर और सूचना निदेशक, हम सभी लोग वहाँ थे और स्थिति का जायज़ा लिया गया, और अभी फ़िलहाल स्थिति वहाँ पे नियंत्रण में है। जो जानकारी मुझे अभी तक मिली है, कई संख्या में जो पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग चोटिल हुए हैं उनको वहाँ स्थानीय अस्पतालों में दाखिला कराया गया है। फ़िलहाल किसी कैजुअल्टी की सूचना नहीं है। स्थिति जहाँ तक मेरी जानकारी है तनावपूर्ण है, पर नियंत्रण में है, और हम लोग के पास इस पूरे घटनाक्रम की डिटेल, अलग अलग जगह पे जो जो इसमें उपद्रव किया गया है उसकी सारी फुटेज है, और आने वाले इसको, इस घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया है, और आने वाले दिनों में जो भी उपद्रवी तत्व इस घटना के पीछे थे उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, हाँ।